नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। लॉकडाउन के बीच दी गई बहुत बड़ी राहत आरबीआई की ओर से दी गई है। राहत द फिक्स्ड रेट रिवर्स रिपो रेट व्हिच सेट्स द फ्लोर ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दैट इज द लैफ कॉरिडोर वॉज रिड्यूस्ड बाई 90 basis points, आई रिपीट 90 basis points टू 4%, क्लोज टू ₹3 lakh crore ऑन ए डेली एवरेज बेसिस अंडर द रिवर्स रिपो। जी हाँ, 3 महीने तक EMI में राहत रेपो रेट को भी किया गया कम, RBI इतिहास में सबसे बड़ी कटौती। लॉकडाउन के बीच देशवासियों के लिए सबसे बड़ी राहत सरकार ने दी है। RBI ने किसी भी तरह के लोन की किस्त चुकाने में 3 महीने की राहत दी है, यानी अगर आपको कोई भी EMI चुकाना होगा तो 3 महीने बाद ही किस्त भरनी होगी। लॉकडाउन के बीच देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत रिजर्व बैंक ने उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट में 75 basis points की कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 5.15 से घटकर 4.45% आ गई है। इसके साथ ही बैंकों को यह सलाह दी गई है कि 3 महीने तक EMI पर राहत दें। रेपो रेट की यह कटौती RBI इतिहास की सबसे बड़ी है। Even as the growth of bank credit has been steadily slowing down, the Reserve Bank is at work and in mission mode. 2. Steps to reinforce monetary transmission so that bank credit flows on easier terms are sustained to all those who have been affected by the pandemic. 3. Efforts to ease financial stress caused by COVID-19 disruptions by relaxing repayment pressures and improving access to working capital. And 4. Endeavor to improve the functioning of markets in view of the high volatility experienced with the onset and spread of the pandemic. It has been decided to reduce the cash reserve ratio CRR of all banks by 100 basis points to 3% of net demand and time liabilities, that is NDTL, with effect from the reporting fortnight beginning March 28th for a period of 1 year. फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहे एबी न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।